प्रिय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भोजन हो तो ऐसा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कच्चे आम का जाम बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी इसे बनाएंगे और इसका टेस्ट उठाएंगे। दोस्तों, यह बनाना बहुत ही आसान है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे बनाएं। और एक बात बता दूँ, जब यह बन करके तैयार हो जाए तो इसे आप महीने दो महीने तक भी रख करके खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन इसे कांच के बर्तन में ही रखें, जिससे आपका ये ख़राब नहीं होगा और यह हमेशा आप इसे यूज करेंगे महीने दो महीने तक। दोस्तों, तो आए देखते हैं इसे बनाने के लिए सामग्री। सामग्री के रूप में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, एक कच्चा आम ले लें जितना आपको आम बनाना है। यहाँ पर मैं चार आम ले रहा हूँ, जिसमें एक कटोरी चीनी और एक चम्मच विनेगर। ये सामग्री के रूप में हो गया, बनाना बहुत ही आसान है। आए देखते हैं आगे की कार्रवाई। अभी यहाँ पे आम को छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे पीस में काट देंगे। पल्प को अलग और गुठली को अलग निकाल करके फेंक देंगे। पल्प को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। यहाँ पर देखें, काट रहे हैं इस तरह से। गुठली को देखें, ये अलग निकाल दिया हूँ। अब पल्प को भी इस तरह से छोटा छोटा काट लें। यहाँ पर देखें, इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा काटें। यहाँ पर देखें, इस तरह से काट लिया हूँ। इसी प्रकार से आप भी काट लें। यहाँ देखें, जो आम का छोटा छोटा टुकड़ा किया था, पीस किया था, यहाँ पर एक कटोरे आम हो रखे हैं। अब इसे हम प्रेशर कुकर में डालते हैं और इसे बॉयल करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें कि जितना, अर्थात एक कटोरा मैंने आम का टुकड़ा डाला, तो इसमें एक कटोरा ही पानी डालूँगा इसे बॉयल होने के लिए। ठीक है, इतना पानी डालें। ध्यान रखें, आप अपने तरह से भी डाल सकते हैं कि ये पूरी तरह से बॉयल होना है, अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। अगर कम आपको पानी लगता है तो इसमें और पानी भी आप डाल सकते हैं। इसे अल्मीनियम के बर्तन में बॉयल ना करें, इस बात को खास करके ध्यान रखें। यहाँ पर देखें, हम अभी जितना आम था उतना पानी डाल लिया। अब इसे प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और बॉयल करेंगे। यहाँ पर मैं गैस के ऊपर रखें, फ्लेम लो करके ही रखें, ज़्यादा हाई नहीं रखें, मीडियम रखें। इसे प्रेशर कुकर में मैं बॉयल कर रहा हूँ। आप दूसरे बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जल्दी बॉयल होगा, इसलिए मैं इसमें प्रेशर कुकर में ही रखा हूँ। यहाँ पर देखें, लगभग 5 मिनट के लगभग बॉयल किया, इसमें 1 से 2 सीटी लगाया था, बिल्कुल पक कर के तैयार हो गया है। अभी इसे हम किसी, यहाँ पर तो हम तलगोटनी ले रखा हूँ, लेकिन आप किसी भी के सहारे इसे आप बिल्कुल बारीक करें, पल्स को बिल्कुल घोल लें इसको। जो पानी बचा हुआ था उसी पानी में अच्छी तरह से घोलें। इस तरह से घोल लें। आपको बता दूं, यह बनाना बहुत ही आसान है, नेचुरल आम का है, जो कि आप जैसे बाज़ार में खरीद करके आप यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। आप देखें, इस तरह से पहले बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करें इसे। अभी यहाँ पर देखें, जो पल्स को बॉयल किया था, बारीक किया, उसको एक पतला कपड़ा में लेकर के इसे निकालना है, ताकि मोटा जो पल्स बचा हुआ अलग हो जाए और जो पानी है नीचे गिर जाए। आप इसे बड़ा, अगर आपके पास बड़ा छन्नी हो, यहाँ पर देखें छन्नी में हम इसे छान लेते हैं, जिससे कि जो मोटा पल्स हो वो बाहर निकल जाए और पतला वाला नीचे गिर जाए, जिससे कि आपको जैम जो है कि देखने में और खाने में टेस्टी और अच्छा लगेगा। इस तरह से निकाल लें, देखिए ये निकल गया और नीचे जो है किए बच गए। इसी तरह से सारे पल्स को निकाल लें।
अब ये छानेंगे पर्स को। मैं यहाँ पर बर्तन गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, इसी बर्तन में इसे हम डालते हैं, ठीक है, इस तरह से इसे डाल दें। और फ्लेम को हाई कर दें, अभी इसे सुखाना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखें, इसे हमेशा हिलाते रहें, चलाते रहें, नहीं तो ये कढ़ाई में जो बर्तन में आप इसे पका रहे हैं बर्तन में लगेगा। इस तरह से इसे चलाते रहें, हिलाते रहें। यहाँ पर देखें अभी बॉयल हो रहा है, अभी भी हमेशा ध्यान रखें, इसे हमेशा हिलाते रहें, चलाते रहें, नहीं तो कढ़ाई में लग जाएगा। अभी हम इसके बीच में चीनी डालेंगे, और यहाँ पर बता दूँ कि आपका जितना आम था उतना ही यहाँ पर चीनी भी डालना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं उतना ही चीनी डाल रहा हूँ, और इसे मिक्स करें अच्छी तरह से, हिलाएं। अभी थोड़ी देर में आपको जाम तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा इसको हिलाते रहें। यहाँ पर देखें अभी कलर चेंज होने लगा है, अभी थोड़ी देर में पक जाए। इसे पकाने का कोई लिमिट टाइम नहीं है, इसको बिल्कुल गढ़ा करना है। जब ये गढ़ा हो जाए समझिए कि तैयार हो जाएगा, और तैयार होने का भी एक लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चेक करना है, ओके। तो अभी देखें अभी गढ़ा होना शुरू हो गया है इस तरह से। अभी इसे हमेशा इसे हिलाते रहें, नहीं तो कढ़ाई में लग जाएगा, बर्तन में लग जाएगा। यहाँ पर देखिए बन करके ये तैयार हो गया है। अभी इसे हम आपको चेक करके बताते हैं कैसे आप चेक करेंगे कि ये तैयार हो गया। इसे आप जिससे आप हिला रहे हैं चला रहे हैं उससे थोड़ा सा ले लें, ऐसे एक प्लेट में इस तरह से आप रखें, ओके। और फिर यहाँ पर लाएँ और देखें प्लेट में इधर उधर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही चिपक जाएगा, जहाँ है वहीं पर रहेगा। इसका मतलब ये आपका जाम तैयार हो गया। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा इसे थोड़ी देर हम ध्यान रखें इसे कांच के बर्तन में ही रखें, कांच के बर्तन में रखने से आपको ज़्यादा दिन चले, ओके। दोस्तों यहाँ पर देखें ठंडे होने के बाद में मैं इसे कांच के बर्तन में रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी जैम जब बनाएंगे तो उसे कांच के बर्तन में रखेंगे, जिसके कारण आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यूज कर सकें, ओके। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ, ओके, थैंक्स।